साथियों, आज भारत का एक नागरिक देश को संबोधन करने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं अति आदरणीय देशवासियों, आप सभी को सुखराम यादव का नमस्कार। सोशल मीडिया के माध्यम से देश को संबोधन करना पड़ रहा है। देशवासियों, दुनिया में एक बीमारी जिसका नाम कोरोना है, ये बीमारी पूरी दुनिया में फैलती जा रही है और भारत में ये बीमारी फैली। साथियों, हमारे प्रधानमंत्री जी इस बीमारी से निजात पाने के लिए पूरे देश को लॉकडाउन का नाम देकर देश को संबोधन किए और हम सभी नागरिक मोदी जी के बातों के आदर के साथ माना, मोदी जी के बातों को आदर के साथ माना। साथियों, हमारे प्रधानमंत्री जी इस बीमारी से निजात पाने के लिए पूरे देश को लॉकडाउन का नाम देकर देश को संबोधित किए और हम सभी नागरिक मोदी जी के बातों को आदर के साथ माना। देशवासियों, हमारे देश का प्रधानमंत्री अभी मोदी जी हैं और मोदी जी भी देश के एक नागरिक हैं। साथियों, हमारे विचार से जितना दायित्व प्रधानमंत्री का होता है उतना ही हम देशवासियों का, जिसे मैं भी एक नागरिक हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी इस बीमारी से लोगों को बचाने के लिए एक शब्द लाए, सोशल मीडिया डिस्टेंसिंग, जिनकी दूरी एक मीटर। दूसरा शब्द लॉकडाउन, जिसका अर्थ है कि आप घर में रहें, आप घर से बाहर न निकलें। साथियों, मैं सुखराम यादव 62 साल की उम्र का हूं। मैं प्रधानमंत्री जी के आदेश का पालन करते हुए देशवासियों के लिए कुछ सोचा। 5 दिन में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हमें अपने देश के लिए, अपने नागरिकों के लिए एक सुझाव प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। फिर मैं प्रधानमंत्री जी को एक बैरन पत्र लिखा और तुरंत 27 मार्च के दिन 10 बजे प्रधानमंत्री जी मोदी जी पीएमओ ऑफिस के लिए ड्राफ्ट किया। बड़ी मुश्किल से पोस्ट ऑफिस गया क्योंकि पुलिस की सक्रियता अधिक थी। बावजूद इसके मैं पोस्ट ऑफिस गया क्योंकि संदेश पूरे देश के लिए एक था। जब मैं प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख रहा था, उस समय इंडिया टीवी में न्यूज 700 लोग कोरोना से संक्रमित थे और मात्र 16 लोग ही अपना जीवन कोरोना के नाम किए थे। आंकड़ा के साथ पत्र में लिखा है कि मोदी जी मैं भी इस बीमारी से निजात के लिए आपको एक सुझाव लिख रहा हूं, हो सके तो मेरा सुझाव देश के काम आए। प्रधानमंत्री जी, मैं जो आपके बैरन पत्र भेजा हूं उसका कार्बन कॉपी मेरे पास में है। कारण कि प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, क्या लिखा क्या नहीं लिखा, इसका ख्याल मैं कार्बन के साथ पत्र लिखा, जिसमें मोदी जी को देशवासियों के लिए सुझाव भेजा था कि हमारे देश में 5 महानगर हैं जिसमें भारत के कोरोना से लोग अपने परिवार के जीवन, कोने कोने से लोग अपने परिवार के जीवन यापन करने के लिए इन्हीं महानगरों में आते हैं। हमारा देश 125 करोड़ का देश है। इन 5 महानगरों में सोशल स्टैंडिंग का पालन होना असंभव है। आप देशवासियों को अपने अपने गृहनगर भेजने की व्यवस्था कर दें तो सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ समाधान निकल सकता है। मैं ये भी लिखा कि मेरे सुझाव को आप अपने समस्त अधिकारी पदाधिकारी यानी सबसे बैठक करके, हो सके तो मेरे सुझाव को कार्यान्वयन किया जाए। देश हित में आपके लिए संदेश अच्छा जाएगा। मैं भी मोदी जी से अपना लिखा कि आप ट्रेन बस दोनों से लोगों को महानगरों से अपने अपने गृहनगर जाने की व्यवस्था कीजिए। ट्रेन बस को सैनिटाइज करवा कर जाने वाले लोगों को भी सैनिटाइज करवा कर भेजा जाए। लोग विचलित हैं, घर के सिवा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। हम भारतवासी आस्था में विश्वास रखते हैं, पर प्रधानमंत्री जी आपने वही काम किया। पर जब 60,000 लोग संक्रमित हो गए
और 200 लोग कोरोना के नाम पर बलिदान हुए। मेरे प्यारे भारतवासियों, मेरा प्रधानमंत्री जी से मांग है कि प्रधानमंत्री जी को जनता को बताना चाहिए कि देश के एक नागरिक की सुझाव को इतना देर क्यों लगा, जबकि स्थिति स्पष्ट थी। मोदी जी, आपको कोरोना बीमारी की जानकारी कब मिली? क्या ट्रंप जब भारत आए और देश ट्रंप के स्वागत के लिए तैयारी में था, फिर मध्य प्रदेश में सरकार गिराना और बनाना था, इसके बाद लॉकडाउन लगेगा। एक जब चीन में जनवरी के महीने में इस बीमारी की भनक लगी, तब हमारे देश को सकेत क्यों नहीं हुआ? जब जनवरी के महीने में पूरा विश्व को ये जानकारी हो गई कि चीन से कोरोना संक्रमण फैल रहा है कोरोना का, उस समय प्रधानमंत्री जी को टाइम नहीं था प्रधानमंत्री जी के पास। प्रधानमंत्री जी, आप अपने आप को बोलते हैं कि मैं देश का सेवक हूं और अपने आप को देश का सेवक मानते हैं, तो सेवक वाला काम कीजिए। बताइए, 70 दिन लोग घर में बैठे थे, इनकी बीमारी थी, किसी भी प्रकार की बीमारी, इनको टीबी जैसे बीमारी थी, जो एक दिन में दवा अब्सेंट होने से उनका प्राण घातक होता है। तो इस हालत में 70 दिन लोग घर में कैद थे, तो इस 70 दिन में आपने कोई ऐसा व्यवस्था नहीं किया कि हर तरह के मरीजों को अपने अपने हॉस्पिटल में भेजा जाए, अपने अपने अगल बगल जा करके डॉक्टरों के पास दिखावें, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं किया आपने। आपने सीधे लॉकडाउन लगाया और लॉकडाउन लगाने के बाद आप बिल्कुल डाउन हो गए। 70 दिन में आपने जो कुछ किया, जो देश के सामने हुआ, जो देश में हो रहा है, हुआ 70 दिन में, उसको आप ख्याल कीजिए। वैसे सबसे पहले किसी भी चीज़ के सुरक्षा के लिए उसका समाधान बहुत ज़रूरी होता है, और आपने सुरक्षा का व्यवस्था तो किया प्रधानमंत्री जी, लेकिन देशवासियों के समाधान का व्यवस्था आपने नहीं किया। जो लोग सड़कों पर आए, पैदल चले 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर लोग पैदल चले, कितने लोग रास्ते में एक्सीडेंट का शिकार हुए, बावजूद इसके आपका नींद खुली हमारे लेटर लिखने के। 27 तारीख को हमने आपको 27 मार्च को हमने आपको लेटर लिखा था प्रधानमंत्री जी कि आपको जो है देशवासियों को अपने अपने गंतव्य स्थान पर भेजा जाए, सरकार उसकी व्यवस्था करे, आप इसमें जो है आगे कदम बढ़ाइए। ये मेरा सुझाव था देश के लिए, आपको आदेश नहीं था, लेकिन देशवासियों के लिए सुझाव था कि प्रधानमंत्री जी, इससे आपका भी संदेश अच्छा जाएगा, जिसमें मैंने कार्बन कॉपी में लिख रखा है। आपका मैं विरोधी नहीं हूँ प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे हम किसी भी तरह से संबंधित हूँ, लेकिन आपसे संबंधित जरूर हूँ। आप एक प्रधानमंत्री देश के हैं, मैं एक नागरिक हूँ। तो आपसे शिकायत मेरी यही है कि आपने जो जो स्टेप लिया, उसका कहीं भी समाधान का रास्ता नहीं ढूंढे आपने उसका एक भी समाधान का रास्ता नहीं ढूंढे। या लॉकडाउन हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, आपको ये मालूम होना चाहिए था कि 130 करोड़ का देश है हमारा, 130 करोड़ की आबादी वाला देश में लॉकडाउन अगर हम लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग अगर करते हैं, तो क्या क्या सामने चीज़ें आएगी। इसमें हमने अपने पत्र के माध्यम से आपको सुझाव भी दिया है कि अपने सारे पूरे अपने डिपार्टमेंटल को, पूरे देश के जितना भी आपदा काल में जितने भी डिपार्टमेंटल होते हैं, सबकी आप बैठक करवाइए। सबकी बैठक करवाने के बाद अगर ये हमारी बात समझ में आती है, देश हित में आती है, तो इसको जो है पालन किया जाए। लेकिन आप जब 60,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो गए, तब आपने, आपकी नींद खुली और आपने श्रमिक ट्रेन का व्यवस्था किया। अच्छी बात है, व्यवस्था आप कर दिए, देर सही दुरुस्त हुआ। लेकिन बावजूद इसके, जब व्यवस्था हुआ उस समय भी इतना ये मैंने
युद्ध स्तर पर यह व्यवस्था होनी चाहिए थी कि ये कोरोना की महामारी रुके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसमें भी व्यवस्था होने के बावजूद इतना ढीला कदम चली हर संस्था, जितने भी संस्था कार्यरत थी इतना ढीला कदम चली कि लोग संक्रमित पर संक्रमित होते गए। और प्रधानमंत्री जी, हमारे देश में एक कहावत है, बहुत पहले से बुजुर्ग लोग कहते चले आ रहे हैं कि हमारे देश में लगभग 1,00,000 लोग डेली मरते हैं और 1,25,000 पैदा होते हैं। तो मेरा इस पत्र के माध्यम से या इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक मेरा संदेश पहुंचा है, तो मेरा निवेदन है खास तौर से प्रशासनिक पदाधिकारियों से, प्रशासनिक नेतागण से मेरा निवेदन है कि आप लोगों ने अब तक इस बीमारी से निजात पाने के लिए जितना भी तंत्र का उपयोग किए, मेरा ख्याल है कि वो तंत्र सारा का सारा फेल होते गया। यहाँ तक कि आप लोगों ने भगवान का दर्शन भी करना बंद करवा दिया। अब लोगों को ट्रेन में चढ़ने के लिए लाइन लगवा दिया, रोड में चढ़ने के लिए आप लोगों ने लाइन लगवा दिया, और साथ साथ अब क्या तारीफ आप लोगों का किया जा सकता है। इतने बड़े देश के लोकतांत्रिक देश के प्रशासकों का कि आप लोगों ने मुर्दा का भी लाइन लगवा दिया, बहुत अफसोस की बात है। प्रधानमंत्री जी, हमारे देश में तमाम बुद्धिजीवी पैदा लिए हैं। आज भी कहीं हम न्यूज में सुन रहे थे तो एक इस हफ्ते में कि हमारा देश सोने की चिड़िया है, तो सोने की चिड़िया तो हमारा देश है, आज भी है, लेकिन ये सोने की चिड़िया को आप लोग किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा। तो मैं भी एक सुझाव नागरिकता नागरिक की वजह से दे रहा हूँ देश को कि आप लोग जो है जो भी फैसला लेते हैं उसको व्यवहारिक तरीके से उसका फैसला लीजिए। आपके पास तमाम संस्थाएं हैं, तमाम लोग हैं, तमाम अधिकारी हैं, इन सब लोगों से मिलकर के फैसला लीजिए। मोदी जी, आपने नोटबंदी लागू कर दिया, वो महामारी नहीं थी, वो एक प्रजातांत्रिक एक्सपेरिमेंट था, आपने यूज किया, कोई बात नहीं, जनता लाइन लगाई, सहर्ष स्वीकार किया, लोग लाइन लगाए, आप एक लाइन में पूरा गरीब अमीर सबको खड़ा किए, उसको भी जनता स्वीकार की, इसके बावजूद भी आपको दोबारा सत्ता में लाई। लेकिन आप दोबारा सत्ता है तो ये तो ये महामारी आप लेकर के नहीं आए, महामारी तो कहीं से थोपी गई है, लेकिन आपको कम से कम सचेत होना चाहिए था कि दोबारा सत्ता में हम आए हैं तो हमको जो है जनता के लिए क्या क्या जवाबदेही बढ़ती है, क्या क्या जवाबदेही देना है। प्रधानमंत्री जी, हम तो आपको सिखाने योग्य नहीं हैं, लेकिन हम अपना विचार रख सकते हैं, देश के लिए आपके सामने रख रहे हैं अपना विचार कि आप जो है जो भी सोशल डिसीजन लीजिए, पक्ष विपक्ष सबको विश्वास में रखिए। हमारे देश में प्रधानमंत्री जी 500 से अधिक, अगर मैं पूरा नहीं बता पाऊँ तो 544-545 लोग जो है जनप्रतिनिधि होते हैं केंद्र में, और राज्यों में भी अलग अलग गिनती में सभी लोग होते हैं, वो भी जनप्रतिनिधि होते हैं, पंचायत में भी जनप्रतिनिधि होते हैं, और भी बीच में कई संस्थाएं हैं जो सारे लोग जनप्रतिनिधि होते हैं। लेकिन बावजूद इन लोगों से बिना विचार किए आपने जो इस महामारी काल में ये जनता के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया, ये मेरे समझ से परे है। मोदी जी, आज गिनती नहीं है कि कौन लोग कोरोना से मर रहे हैं और कौन लोग अपने मौत से मर रहे हैं, ये कम से कम रिकॉर्ड होना चाहिए सरकार के पास। राज्य सरकार बोलती है केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार बोलती है राज्य सरकार को, और यहाँ जनता जो है सिर्फ देख रहे हैं कि यहाँ हमारे देश में कितने लोग मरीज हो गए। मीडिया से सब न्यूज आता है इतने पेशेंट हो गए, लेकिन जो ठीक हुए उनको बात करके रिपोर्ट नहीं बताया जाता है। जनता वैसे भी घबराई हुई है। अभी कल की जानकारी मिली है कि मनीष सिसोदिया जी बोल रहे थे कि अभी न जून खत्म हुआ और न जुलाई आई, तब तक 31 जुलाई तक का रिकॉर्ड
मनीष सिसोदिया जी जो है जनता के बीच में बयान दे दिए कि 31 जुलाई तक ये कोरोना के मरीजों की संख्या हो जाएगी 50 लाख 55 लाख 65 लाख कितना बता दिए। अब वो तो हम रिकॉर्ड नहीं किए हैं इसलिए कि आज सुबह से हम न्यूज नहीं देखें। तो आज सवेरे से हम आप लोगों के सेवा में व्यस्त थे, कुछ आप लोगों को सचेत करें, देशवासियों को कुछ सचेत करें। जब से लॉकडाउन लगा तब से हम नित्य कर्म कर रहा हूँ, बस एक ही, देश के लिए सोचना, देश के लिए कुछ करना, देश के लिए कुछ सुझाव देना, देश में कुछ इस तरह का हो जो कि इस बीमारी से निजात पाया जा सके। साथियों, आप सभी के बीच मैं सोशल मीडिया पर आज लाइफ में पहली बार आया हूँ, ऐसा कोई मेरा तमन्ना नहीं थी। इसके पहले भी हम और ऑफिसों में जाते थे, कहीं कहीं कैमरा, मीडिया का कैमरा भी नज़र आता था तो उस कैमरा से हम हटते थे कि हमें चेहरा नहीं दिखाना है, अगर सम्मान करना है, जनता का सम्मान करना है तो जो जितने लोगों के बीच में हम रहते हैं, चाहे 150 के बीच में हो और चाहे 2-4-5 के बीच में हो, हम सभी जनता देशवासियों का सम्मान करते हैं और सभी को सुझाव देते हैं कि आप लोगों को जो भी सरकारें हैं, जो सरकार का निर्देश होता है उसको आप सभी को पालन करना पड़ेगा, हम भी उसमें शामिल हैं। हाँ, विरोध करेंगे, जहाँ गलती आएगी विरोध करेंगे, आप भी बोल सकते हैं, आप भी अपना सजेशन हमको दे सकते हैं, हम आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह का विचार पूरा देश में जब तक नहीं आएगा, सिर्फ हम जहाँ मैं तहाँ मैं ना ही। देखिए साथियों, ये 100 साल से ऊपर की बीमारी आई है हमारे देश में, ये बीमारी 100 साल के पहले एक बीमारी आया करती थी, हैया तावन जिसका नाम था, कॉलरा था। गांव के गांव लोग सफा होते थे, लोग बताते थे, बड़े बुजुर्ग लोग बताते थे, वैसे मैं भी 62 साल का हो गया हूँ लेकिन बड़े बुजुर्ग लोग बताते थे कि हैया तावन जब आता था तो गांव में एक लाश फूंक करके लोग आते थे तो दूसरा लाश लेकर के जाते थे। साथियों, अभी तो हमारा 130 करोड़ की आबादी हो गई है, उस समय आबादी भी बहुत कम थी भारत की, गुलामी के साये में जी रहे थे भारतवासी, उसके बावजूद किसी भारतवासी ने हिम्मत नहीं हारा, संघर्ष किया, संघर्ष करते रहा, आज़ादी भी मिली, आज़ादी के बाद स्वतंत्र हुए। साथियों, बहुत गर्व से एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ उस समय बाकी सब तो छोड़िए, ये परमाणु और ये न्यूज और मीडिया और ये अपना मोबाइल, ये सब की तो बातें छोड़िए, हमारे देश में सुई जिसको बोलते हैं, कपड़ा से हाथ से सिल करके सुई सिला जाता है, वो सुई जब हमारे देश के कारीगर लोग बनाए तो उसमें ड्रिल करने का, धागा डालने वाला जो ड्रिल छेदा होता है उसमें ड्रिल करने का मेरे पास व्यवस्था नहीं थी, उसको जापान भेजा गया ड्रिल करने के लिए। तो ऐसे समय में भारत को आज़ादी मिली है। साथियों, माना कि देश को आज़ादी मिले 70-72 साल हो गए, बावजूद इसके नहीं सॉरी जो भी हो गया हो, अब रिकॉर्ड, इसका रिकॉर्ड हमारे पास अभी नहीं है तत्काल में, लेकिन कुछ गलती अगर आदमी करता है तो उसको स्वीकार करता है तो उसको आप लोगों को भी क्षमा करना पड़ेगा, चाहे हम हों और चाहे देश का एक नागरिक हो और चाहे एक देश का प्रधानमंत्री हो। साथियों, सबसे बड़ी है जज्बात, दुनिया में आज तक जितने भी काम हुए सब जज्बात में होते हैं, जिसके पास जज्बात नहीं होता उनका कोई काम नहीं होता, चाहे खेती हो, किसानी हो, फैक्ट्री हो, दुकान हो, चाहे मजदूरी, हर मजदूर को ये शौक होता है कि चलो इस काम में हम लगेंगे तो सक्सेस रहेंगे। तो राजनीति में, जहाँ तक भारत के राजनीति का सवाल है, तो राजनीति में आप लोग हैं ये माना जा रहा है, पूरा देश मान रहा है, लेकिन आप लोग कहाँ नहीं हैं इस पर आप लोग विचार कीजिए, इसलिए कि आप लोग बुद्धिजीवी हैं। आज बुद्धिजीवी नहीं होते तो जहाँ तक आपको संदेश दिया जा रहा है वहाँ तक आप नहीं पहुँचते। आप लोग बुद्धिजीवी हैं लेकिन अपने बुद्धि का जो है इस्तेमाल समय से अगर कर लिए होते तो देखिए आज एक नागरिक प्रधानमंत्री जी को देश को जवाब देने का देने के लिए बोल रहा है।
ऐसा नहीं होता। प्रधानमंत्री जी अगर अपना सही स्टेप से इस कोरोना बीमारी का जो है नियम बनाए होते हैं, सही तरह से उसका स्टेप लिए होते तो आज इस नागरिक को ये सोशल मीडिया के माध्यम से संबोधन करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपने ऐसा कोई व्यवस्था नहीं किया, आपने न पक्ष को विश्वास में लिया न विपक्ष को विश्वास में लिया, सीधे आप अपना फैसला सुना दिए कि भैया लॉकडाउन तो लॉकडाउन तो लॉकडाउन, प्रशासन आपकी है, कौन बाहर जाकर लाठी खाएगा। जो लोग राशन लेने जाते थे उस जगह में जो है जाकर के देख नहीं पाते हैं, हम तो जाकर के देखते हैं, आप लोग तो नहीं देख पाएंगे। क्योंकि हम तो जगह जगह कोरोना काल में भी गए हैं, इसलिए कि हम भी एक नागरिक हैं, हम भी एक मजदूर हैं, तो इसलिए हमको तो जाना पड़ा। और वहाँ हम स्थिति जो देखते थे वो क्या बीतती थी, क्या आप लोगों का जो है कितना तारीफ हम करते थे आप लोगों का, ये तो हमारा दिल ही जानता होगा। लेकिन आज भी आप लोगों की बुराई नहीं कर रहे हैं, आज भी आप लोगों की तारीफ कर रहा हूँ, इसलिए तारीफ करने योग्य आप लोग हैं, बशर्ते कि आप लोग उस कर्म को नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा अवसर मिल रहा है लोगों को बोलने का। हम क्या, और भी हम देखते हैं बहुत से लोग, देश आपके साथ था मोदी जी, 100 साल बाद भारत में आई त्रादशी के समय आपने देश को विश्वास में नहीं लिया, यहाँ तक कि आप अपने पार्टी एवं अपने सहयोगियों को भी विश्वास में नहीं लिए। आपके सहयोगी भी, आपके पार्टी के सहयोगी भी जनप्रतिनिधि हैं, पूरा देश के चारों ओर फैले हुए हैं, जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं प्रधानमंत्री जी, ये दुनिया जानती है और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन उन लोगों को अगर उस समय विश्वास में लिया गया होता, उनको अगर कॉल किया हो गया होता, तो आधा भारतवासी तो वैसे सचेत हो जाते कि हाँ भाई हमारी सरकारें प्रयास कर रही हैं, कोई संकट आने वाला है या आ गया। ये आर्थिक बोझ देश के ऊपर कम पड़ता, और देश का नहीं ये नागरिक के ऊपर पड़ रहा है, ये बोझ जो है देश के ऊपर नहीं है, ये बोझ तो नागरिक के ऊपर में है, ये बोझ नागरिक ही उठाएंगे। आज जो नागरिक 2 महीने से 3 महीने से राशन ले रहे हैं, या 2 महीने 3 महीने का जो सरकार दे रही है सरकार के माध्यम से, ट्रेजरी के माध्यम से इन लोगों को जो पैसा दिया जा रहा है 1,500 रुपये करके किसानों को दिया जा रहा, तो ये सारा बोझ जो है किसानों का ही है, मजदूरों को ऊपर ही पड़ रहा है, मध्य वर्ग के व्यापारियों को ऊपर ही पड़ रहा है, ये सरकार के ऊपर नहीं पड़ रही है ये बोझें, ये तो सारा हमारे लोगों पर पड़ रही है। तो सरकार को इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि सरकारी खजाना का इस्तेमाल किस किस तरह से कहाँ जरूरी काम है उसमें किया जाए। अगर ये शुरू काल में जब संकट आया उसमें लोगों को सचेत कर दिया गया होता, तो माननीय आदरणीय आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग भी सब कुछ जानते हैं कि देश में उस समय होली का त्यौहार था, हमारा देश होली का त्यौहार जो है सबसे पवित्र त्यौहार माना जाता है, अधिकतर लोग अपने अपने घरों में छुट्टियां लेकर के होली में जाते हैं, करीब करीब देश के 25% अप्रवासी मजदूर जो कहे जाते हैं वो लोग अपने अपने गांव गए हुए थे। अगर ये सचेत उनको कर दिया गया होता कि भाई आप लोग थोड़ा दिन और गांव में रुकना पड़ेगा, देश में महामारी फैली हुई है या आ रही है, उसका हम लोगों को मुकाबला करना है, तो आप लोग गांव में बैठ करके मुकाबला कीजिए। देखिए साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि शहरों में 6 फुट 4 फुट 6 फुट का कमरा लेकर के लोग मजदूर जो काम करने आते हैं, तो 2-2 3-3 आदमी उसमें शेयर करके रहते हैं। तो इस स्थिति में सरकार को भी तो ये जानकारी होनी चाहिए, सरकार को नहीं मालूम है कि देश में कितनी झुग्गियां हैं, कहाँ बड़ी बड़ी झुग्गियां हैं, कहाँ किस तरह के लोग जीवन यापन कर रहे हैं, ये नहीं केंद्र सरकार को तो प्रांतीय सरकार को तो मालूम होना चाहिए, लेकिन क्या प्रांतीय सरकार लोगों को भी ये मालूम नहीं थी। हाँ, अगर झुग्गियों की बात की जाए तो बम्बई की जो झुग्गी है, धरावी झुग्गी जो विश्व की सबसे बड़ी झुग्गी है,
वहाँ के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी को हमारे लेटर 27 मार्च को लेटर लिखने के बाद कुछ दिन बाद वहाँ प्रधानमंत्री जी से लोगों को घर जाने की व्यवस्था के लिए ट्रेन मांगा था, ये हम भी न्यूज में सुने थे। तो चलिए उनके विचार से हम सहमत हुए कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर के ये महानगरों को समाधान जो था वो पहले ही निकालना चाहिए था, और आज भी नहीं निकल रहा वो समाधान। कोई कहते हैं कि लेबर चला जाएगा तो काम कैसे होगा, कोई कहते हैं कि काम नहीं है, भाई मेरे पास काम नहीं है तुम घर चले जाओ। तो ये जो मजदूर हैं वो तो मझधार में फंसे हुए हैं। आज जिस कंपनी में 33% या 50% लोग लेकर के काम कर रहे हैं उसमें पुराने लोगों को छटनी कर रहे हैं कि भैया इतने देंगे, करना है तो करो नहीं तो इसे कम करने वाला मिल रहा है। तो सरकार को ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ेगी, इसलिए कि ये कंपनी या जो भी है, सरकार जब घोषणा की कि लॉकडाउन लगेगा तो लगाया, पूरा देश के लोगों ने उसको माना। आज 3 फुट नीचे अगर सोना मिल जाता है तो सरकार की संपत्ति हो गई, अगर 20 फुट 30 फुट ऊपर अगर कोई चीज़ की जरूरत कोई करने जाता है तो वहाँ सरकार का ऑब्जेक्शन लग जाता है कि भाई इस पर नहीं होगा, ये सरकारी चीज़ें हैं। तो जनता क्यों नहीं सरकारी है, सरकार को तो उसका भी अनुसरण करना चाहिए। अगर कोई संस्था नहीं है जिसका अनुसरण नहीं हो पाएगा तो कोई सरकारों को तो और नई नई संस्थाएं डालना चाहिए कि इस संस्था से इसका समाधान हम निकाल लेंगे, ये संस्था हमारे तक खबर पहुंचा देगी, ये संस्था हमको जागृत करेगी, हमारे देशवासियों के लिए ये संस्था सहयोग करेगी। इस तरह का कदम तो उठाना चाहिए देश के लिए, और इससे ज़्यादा तो कुछ बोलना उचित नहीं है, लेकिन इतना भी बोलना मेरा हक था देश के लिए, इसलिए मैंने आप लोगों के बीच में ये शब्द दिया। चाहे जनता इसे स्वीकारे या इसको न स्वीकारे, अगर जनता स्वीकारती है तो शायद ये सोशल मीडिया का चैनल है, इसको जितने आप लोग क्लिक करेंगे उतने फैलेगा, सारे देशवासियों के पास ये खबर पहुँचे, तब प्रधानमंत्री जी के कान में जूं रेंग सकता है। साथियों, इसमें बोल देने से कोई महत्व नहीं है, ये कार्यवन हो, ये जो बोला जा रहा है या जो सुझाव दिया जा रहा है ये कार्यवन हो, दिखाई दे, तो उसका महत्व होता है। साथियों, अब थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे कि हमारे देश में अगर पक्ष में सरकार है तो विपक्ष में भी लोग रह बैठते हैं, ऐसा नहीं कि 100% मजबूत हर जन 100% जो है जनप्रतिनिधि सरकार के ही। अब विपक्ष के लोगों से भी मैं सवाल उठाना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस कोरोना काल में देश के वासियों के लिए सिर्फ ये 1000 बस के सिवा और आप लोगों ने क्या सुझाव दिया, देशवासियों को आप लोगों का क्या संदेश गया, देशवासियों के लिए आप लोगों ने कौन ऐसा स्टेप लिया जिसको कि हम नहीं जानते हैं। तो जब हम नहीं जानते हैं देशवासी क्या जानेंगे। जिस कांग्रेस पार्टी के साथ में, जिस कांग्रेस पार्टी के पास में 60 साल भारत का नेतृत्व किया, वो कांग्रेस पार्टी के आज विपक्ष में बैठी हुई है, और जिसका नेतृत्व माननीय सोनिया गांधी जी कर रही है। तो सोनिया गांधी जी को मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि सोनिया जी, हम एक देश के नागरिक हैं, वैसे समय समय पर आप लोगों को भी हम सुझाव देते रहते हैं, ताकि आपको, आप लोगों के इर्द गिर्द में इतने लोग बैठे हुए हैं जो कि वहाँ मक्खी तक नहीं फटकने देते हैं, और हमारी ये सब व्यक्ति की तो बातें अलग। आपको कम से कम विपक्ष के नेता हैं आप, 52-53 फीट लेकर के आज भी बैठी हुई हैं लोकतंत्र में। इसके बाद जितना भी विपक्षी पार्टियां हैं पूरे देश में, उनके भी जनप्रतिनिधि आपके साथ में हैं, बावजूद इसके आप लोगों ने कोई मोर्चा या जो भी मोर्चा चला रहे हैं
उस मोर्चा के माध्यम से सरकार को इंडिकेट नहीं किया या सरकार को इंडिकेट करने का कोशिश नहीं किया या सरकार को जनता के साथ सुझाव का जो है कोई रास्ता नहीं दिया, जो कि जिसके ऊपर जिम्मेदारी रहती है उनको बहुत दूर तक देखना पड़ता है। कहने को तो बहुत कुछ है, प्रधानमंत्री जी को कोई कुछ भी कभी भी बोल सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं है कि सबकी बात सुन लेंगे। देश का प्रधानमंत्री कोई भी हो, ऐसा नहीं कि गांव तक उनका आवाज़ पहुंच जाती है। हाँ, प्रधानमंत्री जी की आवाज़ पहुंच जाती है, गांव वालों की आवाज़ कहाँ पहुंचेगी प्रधानमंत्री के पास में? ये तो बहुत असंभव है। ऐसी राजनीति तो भारत में जो है, मेरा ख्याल है कि हमको जो याद है कि 1976 के पहले तक ऐसी राजनीति थी, इसके बाद से ही इस राजनीति का पतन होते गया, और चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। अब हो गया राजनीति अलग तरीके की, हम की राजनीति हो गई। साथियों, हम की राजनीति देश में नहीं चलेगी, किसी न किसी रोज उसका अंत होगा ही, चाहे हम ही क्यों ना हो। अगर कल हमको आप लोग किसी जगह पर पहुंचा दीजिए संजोग बस, तो उसमें हम अमर थोड़े हो गए, कल हमको नीचे सीढ़ी में आ जाना पड़ेगा। ऐसा तो जनता है, ये देश की जनता इतने भरोसा करती है देश पर, जितने विश्वास करती है, जितने आस्था रखती है, उतने जनता जो है सबक भी सिखाती है। 1976 में मैंने देखा इस चीज़ को, इंदिरा गांधी जी को भारत की जनता झाड़ू लगा दिया, उसमें हम भी संजोग बस सक्रिय रूप से कांग्रेस में थे, सक्रिय रूप से बचपन में हम कांग्रेस में थे, उस समय भी देखा मैंने 1976 में। इसके बाद और भी तमाम राजनीतिक समस्याएं आई देश में, उन सब समय में भी दिखाई दिया हमको कि हाँ, जनता देश की क्या चीज़ है। आज जनता के ऊपर जब संकट आया तो आप तो घर में हैं, एसी में हैं, आपके पास सारी सुविधाएं हैं, और जिनके पास सुविधा नहीं है उनको सब्जी लेने जाना है, सब्जी दुकान बंद है, दवा लेने जाना है तो दवा कोई डॉक्टर नहीं है, खाने के लिए जाना है, खाने के लिए आप एक महीने बाद व्यवस्था करेंगे, आपका जारी होगा आज तो लोगों तक पहुंचेगा 30 दिन बाद, तो 30 दिन ये क्या खाएंगे लोग। तो ये सब चीज़ का जो है, सरकारें जो भी आती है या आवे, इन सब चीज़ों का सबको ध्यान रखना पड़ेगा, जनता का सहयोग करना पड़ेगा, जनता को समझना पड़ेगा कि जिसमें हम जनता के बीच में जाते हैं उस समय तो हम हाथ जोड़ते हैं कि बस जो हैं आप ही हैं, ठीक है, हमको सीट चाहिए, हमको जिताइए, और जब जीत जाते हैं जनप्रतिनिधि लोग तो उस समय जनता को भूल जाते हैं। और मेरे ख्याल से कि कुछ लोग तो भूल जाते हैं, और कुछ लोगों को भुलाया जाता है, जो कि चाहते हुए भी नहीं बोल पाते हैं, चाहते हुए भी नहीं सोच पाते हैं, जो फंड आएगा बस उसी में काम करना, वो चाहते हुए भी डिमांड नहीं कर पाते हैं। ये मैंने देखा, ये मैंने इधर 10-12 साल 15 साल के राजनीति के माहौल में देखा। तो साथियों, इन सबों को भी दूर करना होगा, और ये बोलिए कि अब आप लोगों के बीच में कोई तीसरा नहीं है तो ऐसी कुछ नहीं बातें हैं, कोई तीसरा भी आएगा, ये तो देश है, इसमें सभी का हक है, सभी का जो है सहयोग है, तो कोई भी तीसरा आएगा, चौथा आएगा, तो आप लोग सचेत होकर के राजनीति कीजिए, जनता के पर पूर्ण विश्वास करके राजनीति कीजिए, अपना भी विश्वास पूर्ण जनता को दीजिए, जनप्रतिनिधि हमारे देश में जितने भी हैं चाहे वो किसी पार्टी से हों। अब देखिए साथियों, हम थोड़ा सा भटक गए थे, बात सोनिया जी पर आई, माननीय सोनिया गांधी जी अभी कांग्रेस के वर्तमान में अध्यक्षा है। तो सोनिया जी, आपको तो कम से कम ये विचार रखना चाहिए था प्रधानमंत्री जी के सामने में, या पार्टी का संगठन को इकट्ठा करके आपको भी ये कदम उठाना चाहिए था कि हम देश के लिए 60 साल सत्ता में रही हुई पार्टी के लोगों का विचार लेकर के देश के लिए प्रधानमंत्री को अवगत करें कि इस संकट काल में देश में क्या स्थिति होगी, कैसे कैसे इसके इससे निपटना होगा,
ये सब चीजें जो है आपने भी नहीं किया। हम अगर सुझाव देने का कोशिश किए, आपको भी मैंने सुझाव देने का कोशिश किया, जिस तरह से मोदी जी को मैंने पत्र लिखा उस तरह से कांग्रेस कार्यालय में भी मेरा पत्र है, इसका कार्बन कॉपी मेरे पास है, इसका कार्बन कॉपी मेरे पास है, और बहुत पुराना सुझाव से लेकर नया सुझाव तक मैंने दिया आप लोगों को। हमें नेता बनने का शौक नहीं, लेकिन अब आप लोगों ने हमें मजबूर कर दिया, अब हम भी विवश हैं कि आप लोग जो है अब एक नेता और बनाइएगा देश में। देखते हैं अगर जनता बनेगी, हम नहीं बनेंगे, हम तो संस्थापक बन सकते हैं, आज के दिन एक और संगठन का संस्थापक, एक संगठन का उदय होगा और उसका संस्थापक हम बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए जनता की जरूरत है, देश के नागरिक की जरूरत है, इसमें हमारी कोई जरूरत नहीं है। जो रास्ता दिखाता है वो घर तक चल करके कभी कभी पहुंचाता है, और नहीं तो लोगों को रास्ता बता दिया जाता है, वो चलकर पहुंच जाते हैं। तो उसी तरह से आज आप लोगों से आशीर्वाद ले रहा हूँ, माननीय सोनिया जी से, प्रधानमंत्री मोदी जी से, और हमारे देश में जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, जैसे हमारे अमित शाह जी और गडकरी जी और भी तमाम नेता हैं, जिनको कि अब इस समय अभी नाम नहीं ले पाऊंगा, समय का अभाव है, इस लड़के को हम बुला करके ये वीडियो करवा रहे हैं। तो फिर दोबारा कभी आप लोगों से सहयोग लूंगा और आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग देश को सही रास्ता दीजिए। मेरा आज का प्रोग्राम आप सभी लोगों को सचेत करने के लिए है, और इस सचेत के साथ में एक प्रोग्राम ये भी है कि भय बिन होत न प्रीत। तो जनता का भय नेताओं के पास नहीं है, ये तो पक्की बात है। आप लोग नाराज होंगे, अच्छी बात है, आप लोग नाराज होइए। जितने भी हमारे साथी नेतागण हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो आप लोग नाराज होइए, हमको खुशी होगी, इसलिए कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी बनाए। दोस्तों, निंदक को कहावत है या श्रेष्ठ कुलों में चला आ रहा है हम लोगों के बीच में कि जो जिसकी निंदा करता था उसको वो अपने घर में ही आंगन में उसको रखता था, ताकि जितना अधिक से अधिक ये व्यक्ति मेरा निंदा करेगा उतने हमारे कर्मों में निखार आएगी। तो साथियों, हमारा आप लोगों से विशेष निवेदन यही है कि आप लोग भी इसी कदम पर चलें, आप लोग भी इसका पालन करें जो अभी मैंने देश की जनता के लिए सोचा, देश की जनता को बताया। आप लोगों को हमने नहीं बताया कुछ, आप लोगों को नहीं बता पाएंगे, इसलिए कि आप लोग तो महान हैं। हमने ये देश की जनता को बताया, देश की जनता से ये हम संवाद कर रहे हैं, और जवाब हमारे प्रधानमंत्री को, मंत्री जी को, देश की जनता को देना है, हमें नहीं। हमें कोई भी जवाब लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हम भी नागरिक हैं। जब सबको मिलेगा तो हमको भी जवाब सुन लेंगे हम भी कि प्रधानमंत्री जी इस टॉपिक पर क्या जवाब दे रहे हैं। अब साथियों, कुछ मीडिया कर्मियों की तरफ मैं ध्यान दूंगा, जैसे हमारे बीच में इंडिया टीवी, रजत शर्मा जी, नमस्कार। टीवी पर हमारे रजत शर्मा जी हैं, जो कि मीडिया के प्रेसिडेंट भी हैं, तो रजत शर्मा जी को मेरा नमस्कार। और रजत शर्मा जी का जो भी लोगों के लिए संबोधन होता है, मेरे ख्याल से कि कुछ जो कि है थे अध्यक्ष बनने लायक आप थे, और वो आज भी लोगों के लिए आप प्रिय हैं और रहेंगे। सर, आपसे एक विनती है कि आप लोग जो ये चैनल में दिखा रहे हैं कि आज कोरोना का पेशेंट इतना बढ़े, पिछला पेशेंट का इंक्लूडिंग करके दूसरा दिन आप लोग रिकॉर्ड बता देते हैं देश की जनता को
कि अब तक देश में इतना कोरोना पेशेंट हुए, लेकिन जो रिकवर हो रहे हैं, जो रिकवर हो रहे हैं पेशेंट, उनका उसमें से माइनस नहीं किया जा रहा है। जनता दिन पर दिन गुमराह है कि हम लोग इतना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, मुंह में मास्क लगाते हैं, एक दूसरे से टच नहीं करते हैं, जरूरत नहीं पड़ने पर घर से नहीं निकलते हैं, बावजूद इसके ये बीमारी बढ़ कहाँ से रही है। तो मेरा ख्याल है कि अपने एंकरों के माध्यम से आप सभी विनती है कि अपने एंकरों के माध्यम से थोड़ा इस पर जो है विस्तृत जानकारी जनता के बीच में दिया जाए, ताकि जनता कुछ भ्रमित न हो, जनता को कुछ भरोसा हो कि हाँ भाई बीमारी आई है तो मुकाबला भी हो रहा है, देश सचेत है, लोग सचेत हैं, सरकार सचेत है। हम लोगों का इसमें जो है 48% रिकवरी जो दिखाया जा रहा है, इसको भी जो है बात करके डेली का काउंटिंग अगर दिखाया जाए जनता के बीच में, तो मेरा ख्याल है कि हम अपने आप को धन्य समझेंगे। दूसरा चीज, और भी हमारे जी न्यूज के हैं ऑडिटर साहब और भी जो इंडिया टीवी इंडिया न्यूज हैं, इस तरह से करके सभी को हम यही प्रार्थना, सभी न्यूज चैनल से यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि आप लोग अपने विवेक से, कहिए आप लोगों को कोई बोलता नहीं है कि ये बोलना है आपको, अगर कहीं व्यवस्था है तो भी जनता के बीच में आनी चाहिए, अगर कहीं आपके बीच में व्यवस्था है तो भी जनता के बीच में आनी चाहिए, इसलिए कि आप भी एक देश के नागरिक हैं। कर्म आपके पास बहुत ऊंचा है, आप लोग जिसको चाहते हैं उसको उठा देते हैं, जिसको चाहते हैं उसको गिरा देते हैं, इसलिए कोई देखने नहीं जाता है, लेकिन टीवी जरूर देखता है, हर घर में टीवी, हर घर में लोग टीवी देखते हैं, आपके बातों पर विश्वास करते हैं, तो आप लोगों को भी कुछ विश्वास ऐसा जनता के बीच में लाना होगा जो कि जनता समझे कि जो मीडिया पत्रकारिता है ये भारत का स्तंभ है और देश का इतिहास है और देश का मान है और सम्मान है। मेरा ख्याल यही है। और एक रिक्वेस्ट हम आदरणीय अरवन गोस्वामी जी से करना चाहूँगा, जो कि अपने आर भारत के पदाधिकारी अधिकारी हैं, जैसे हम जानते हैं कि एडिटर हैं, तो अरवन विश्वास जी आपसे मेरी विनती है, हम तो पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं और न किसी मीडिया के हम अंग हैं, लेकिन आपसे मेरा विनती है कि जो स्पीच आप देश के लिए देते हैं, किसी पार्टी के लिए देते हैं, उसमें सॉरी क्षमा कीजिएगा, ये आपका जो है कुछ शब्द अहंकारिक, कुछ शब्द जो है उसमें अहंकारिक होता है। तो अरवन गोस्वामी जी, आप कम से कम मेरे बातों का ध्यान करके, अब से हम देखते हैं, हम आपसे डेली मिलते हैं शाम को 7 बजे, और अब से फिर हम जब से ये खबर आप तक पहुंचेगी तब से हम उम्मीद रखते हैं कि कुछ हम जो चाह रहे हैं कुछ आप उस चीज़ का पालन करें, और सभी मीडिया कर्मियों से अगर अरवन गोस्वामी को कोई गलती हम बोल दिए हैं तो सभी की मीडिया कर्मियों से, सभी भी न्यूज़ चैनलों से हम क्षमा चाहते हैं। साथियों, अब आज जो है 10 जून, आज 10 जून को हमने भी एक फैसला किया है, क्योंकि देशवासियों के लिए, अपने लिए नहीं, एक फैसला मैंने ये किया है कि इसके पहले 60 साल कांग्रेस की सरकार थी देश में, अब जो है बीच में और भी दूसरी सरकारें आई, बीच बीच में कई बार दूसरी सरकारें आई, लेकिन मेरे अकाउंट से टोटल 60 साल देश में कांग्रेस का सरकारें थी, लगातार नहीं, बीच में गैपिंग भी है। तो साथियों, जो जब आता है उसकी जिम्मेदारी तब बनती है, आज कांग्रेस सरकार में नहीं है, आज कांग्रेस की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कांग्रेस अगर सहयोग करता है सरकार के साथ फिर भी ठीक है, नहीं सरकार दो तिहाई बहुमत में तो है ही है, लेकिन
अब कांग्रेस को अपना अस्तित्व देखना है कि कांग्रेस देश के लिए क्या कर रही है, पार्टी के लिए क्या कर रही है और सरकार के लिए क्या कर रही है, ये तो कांग्रेस समझे। लेकिन उसी जगह से 76 से हमने कांग्रेस ज्वाइन किया था। एक सदस्य उस समय था आपका मालूम, रिकॉर्ड ये लोग रखे हैं कि खत्म कर देते होंगे, ये हमें नहीं मालूम, लेकिन उसी समय से कांग्रेस का सदस्य मैं हूँ। बीच बीच में कांग्रेस कार्यालय 24 अकबर रोड जरूरत के लिए जाते थे, लेकिन अधिकारियों से मुलाकात नहीं, पदाधिकारियों से मुलाकात नहीं, मैडम से मुलाकात होगी 3 महीना के बाद, राहुल गांधी से मुलाकात होगी 6 महीना के बाद, जब जाओ तो कहीं गए हैं, बीमार हैं, ये सब तरह की बातें। तो दोस्तों हम भी राजनीति में विश्वास रखें, और मेरा भी हौसला थी कि लोगों के बीच में अपना कुछ सहयोग करें, कुछ दूसरे से सीखें, कुछ अपना कुछ बतावें दूसरे को। लेकिन साथियों अब मैं 62 साल का हो गया हूँ, अब हमें आप लोग इजाज़त दीजिए कि हम भी इस कोरोना काल में लोगों को जागृत करने के लिए एक कमेटी का गठन कर रहा हूं। ये होगा कमेटी का गठन भारतीय नागरिक संगठन। ये पूरा देश के नागरिक, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, नेता हो, अभिनेता हो, आप सभी लोगों को इस बैनर तले मैं स्वागत करूंगा। आज से इस पार्टी की स्थापना सुखराम यादव अपने कर कमलों द्वारा, अपने कर कमलों द्वारा इस पार्टी का स्थापना कर रहा हूं। ये पार्टी में शॉर्ट नेम होगा BNS, भारतीय नागरिक संगठन। साथियों पूरे देशवासियों, इस हमारे संदेश को आप लोग अगर चॉइस करते हैं तो दूसरे के लिए जरूर भेजिएगा, ज्यादा नहीं, 5 लोगों के लिए भेजिए, 5 साथियों को भेजिए, ताकि ये संदेश पूरा देश में जाए, पूरा देश के लोग जो है अपने सुरक्षा से किसी दबाव में नहीं, अपने अपने स्तर पर, अपने अपने ग्रामीण स्तर पर, अपने अपने पंचायत स्तर पर, अपने अपने ब्लॉक स्तर पर, ये सब लोग संगठित हों इस बैनर तले, जिसका नेतृत्व और भी तमाम लोग राष्ट्रीय स्तर के करेंगे, प्रवेश स्तर के, प्रदेश अध्यक्ष के स्तर के लोग करेंगे, और आप लोग जो है अपना विवेक, अपना विचार, देश सेवा अगर करना है तो आप लोग समर्पित होइए। मेरा फोन नंबर है, आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, 92-13-11-24-63। पूरा देशवासियों के लिए ये नंबर दे रहा हूँ, 92-13-11-24-63। इस नंबर पर आप लोग 24 आवर्स, अब तक तो लोग 16 घंटा काम करते थे, लेकिन हमने बहुत मजदूरी हम किए हैं, आज आप लोगों के बीच में खड़े हैं। अभी लोग हमको बोलते हैं कोरोना हो गया मर जाएगा, तो दोस्तों हम उनको क्या जवाब देते हैं कि भाई नाराज नहीं होना, ये उम्र का भी जो है बहुत बड़ा महत्व होता है। साथियों आप लोग बहुत कुछ जानते हैं और ये भी जानते होंगे जो हम बोलने जा रहे हैं कि एक जगह की बात है, शादी लड़का लड़की का तय हुआ, उसमें बोला गया लड़की वाले की तरफ से कि भैया आपको जो है हमारे बारात में बूढ़ा नहीं लाना है। बात मान सम्मान की थी, बराबर वालों की थी, शादी विवाह तो लगभग बराबर वालों के साथ में होती है,
सम्मानजनक स्थिति थी, सम्मानजनक परिवार था, तो पहले शादी विवाह में ये सब ज्ञान दिया जाता था कौन किसके कौन रिश्तेदार हैं। वो जो जन्मासा रखा जाता था दोस्तों, जो जन्मासा रखा जाता था उसमें यही ज्ञान दिया जाता था कि हमारे कौन कौन रिश्तेदार हैं, कहाँ कहाँ के हैं, इसे लोगों का जो है आपसी विचार, आपसी भाव बढ़ता था। अच्छा, इसके बाद कौन कौन लोग कितना बुद्धिजीवी हैं, कौन लोग कितना ज्ञानी हैं, कौन लोग खेती के बारे में अधिक जानते हैं, कौन लोग समाज के बारे में अधिक जानते हैं, उनसे बात संवाद होती थी। तो साथियों, जब बात संवाद का समय आया तो लड़की वाले ने बारात गई तो गांव से एक श्रेष्ठ आदमी थे जिसको बुढ़ा लोग अभी बोलते हैं, वो बोले कि भाई देखो दाल में काला है, कम से कम एक बुढ़ा तो जाना चाहिए तुम लोगों के साथ में। बताया लड़की वाले, भाई शर्त है, लड़का वाला बताया कि शर्त है कि लड़की वाला बोला बुढ़ा मत लाना, बोला बुढ़ा नहीं ले जाएगा तो कुछ गड़बड़ करेगा, कुछ तू लोगों को नीचा दिखाएगा, एक बुढ़ा जाना चाहिए। कोई बुढ़ा तैयार हुआ, बोला ठीक है हमको ले चलो संदूक में डाल करके। वो बुढ़े बेचारे जो है, अब तो लोग बुढ़ा कहते हैं लेकिन अभी अपना लोगों को, आज सारे देशवासियों को इसी माध्यम से हम आग्रह करते हैं, विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि छोटे बड़ों का संस्कार मत भूलिए आप लोग, अपने से बड़ा है तो उसका सम्मान कीजिए, वो गांव का किसान हो, मजदूर हो, उच्च वर्ग का हो, नीच वर्ग का हो, या इसमें अभी तक तो चल ही रहा है, हमारे बोलने से आप लोग भेद मत कीजिएगा नीच उच्च का, अभी तक ये चल रहा है, ये सच्चाई है। तो लेकिन संस्कार नहीं छोड़ना है, अपना विचार नहीं छोड़ना है, संस्कार नहीं भूलना है, लोगों को मान सम्मान नहीं भूलना चाहिए लोगों को। ये हम भारतीय नागरिक संगठन का जो घोषणा किए हैं इसमें ये सब सुसज्जित रहेगा, हमारे संगठन में जो लोग जुड़ेंगे सबको ये दायित्व दिया जाएगा। जैसे एक संगठन आज भी है, इसका हम भी बचपन में मेंबर रह चुके हैं, RSS, आज उनका संगठन इतना मजबूत है, उनके बल पर आज जो चाहे जो कुछ करे सारा माफ है, इसलिए कि उनका संगठन इतना मजबूत है। तो साथियों, आप भी अपने संगठन को इतना मजबूत बनाइए, इतना स्ट्रांग बनाइए, इतना आप लोगों का दिल जीतने को कोशिश कीजिए कि आप जो है सही कर्म का सही ज्ञान दे रहे हैं, सही दिशा दे रहे हैं, लोगों का मान करना सम्मान से करना सीखिए। अपने बाप को अभी लड़के सब बोल रहे हैं तुम तो मेरा बात मानता नहीं है, ठीक है, ये शब्द को हटाना है। भारत को तब सोने की चिड़िया, अभी एक हफ्ता पहले जो हमने सुना था, बताया आप लोगों को भी कि सोने की चिड़िया का चर्चा फिर से भारत में होने लग गई है, इसका भी ये माजरा है कि अब कुछ लोग सोने की चिड़िया को इस्तेमाल करेंगे, इसलिए कि सोने की चिड़िया जिसमें नाम दिया गया था उसमें गुलाम था देश, अब फिर उसको लोग इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से साथियों, हमें अपना देश, अपना मातृभाषा, अपना विचार, अपना संस्कार, अपना भाईत्व, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ तक कि सारे भी लोग, जीव जंतु लोगों से भी आदमी प्रेम करता है, करना चाहिए, और यही सीखना है, यही सिखाना है ये भारतीय नागरिक संगठन के साथ में मिलकर के, और नेता लोग तो अपने आप सीख जाएंगे। साथियों, एक मिनट, आप लोग अगर लोगों को सिखा अपने कीजिएगा, देखने वाला दूसरा सीखता है, देख करके ही कोई सीखता है। तो साथियों, ये तो आज मैंने घोषणा कर दिया, अब हम आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि आगे का कार्यक्रम पंचायत स्तर से लेकर के और ब्लॉक स्तर, ग्रामीण स्तर या और भी जो तमाम फाउंडेशन है, ये सभी लोगों को एक दूसरे से जुड़ना है, सभी में गठन करना है, ये दायित्व तो आप लोगों के ऊपर है। इच्छुक व्यक्ति जो भी रहेंगे वो आगे आएंगे और हम आप लोगों के साथ में हैं। साथियों, अब आप लोगों के बीच में देश से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आज कोरोना काल के घड़ी है दोस्तों, इस बीच में मैंने जो आप लोगों को बोला, कुछ उचित भी लगा होगा, कुछ अनुचित भी लगा होगा, ठीक है, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगूंगा, शब्दों में कोई त्रुटि हुई होगी, इसलिए कि हम कोई वक्ता प्रवक्ता नहीं हैं, हम भी आप लोगों जैसे एक नागरिक हैं, लेकिन समय का ये
जरूरत समझ करके आज मैंने ये कदम उठाया है साथियों। और मेरा ख्याल है कि इसमें सारे देश के बुद्धिजीवियों, जहाँ तक 62 साल के तो हम ही हैं, तो जितने भी ये कोरोना से लोग घोषणा कर रहे हैं कि बुद्धिजीवी को बाहर नहीं निकलना है, तो आप लोग घर में से ही मेरे साथ मिल करके बात विचार कर सकते हैं, लोग नया लोगों को जो है रास्ता दे सकते हैं, बता सकते हैं। और इस काम के लिए आप लोगों का जो है, इस काम को हम आप लोगों का जिम्मेदारी देता हूँ साथियों। और सरकारी तंत्र के उपयोग में जो भी बातें हमने बोला, तो आदरणीय नेतागण, आप सभी लोग हमें अगर कोई त्रुटि हमारी होगी तो इसमें क्षमा करेंगे, कमेंट्स नहीं करेंगे, क्योंकि मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, मैं कोई प्रवक्ता नहीं। साथियों, अब इसी के साथ हम अपने वाणी पर विश्राम देते हैं। जय हिंद।